दोस्तों, गाजीपुर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो गया राजगीर बिहार शरीफ फोर लेन रोड की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिहार राज्य के नालंदा, नवादा और गया जिले वासियों के लिए खुशखबरी है। बहुत सर्किट के तहत जायका यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से गया राजगीर बिहार शरीफ तक फोर लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित 93 किलोमीटर लंबी इस फोर लेन रोड का निर्माण कार्य 925,87,00,000 रुपए से किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 30 अक्टूबर 2020 तक पूरा करना था, जो अब संभव नहीं दिख रहा है। बौद्ध सर्किट में शामिल बौद्ध गया राजगीर नालंदा आने वाले पर्यटकों को परेशानी न हो और लोग कम समय में आ जा सकें, इसके लिए तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये फोर लेन रोड 93 किलोमीटर लंबा है, जो गया के पहाड़पुर से लेकर बिहार शरीफ के राणा बिघा तक बनेगा। इस फोर लेन रोड में 5 बाईपास भी बन रहे हैं। बौद्ध गया से बिहार शरीफ तक बनने वाले इस फोर लेन रोड में 14 किलोमीटर में 5 बाईपास होंगे। गया के मानपुर में 5 किलोमीटर लंबा बाईपास बन रहा है। वजीरगंज में 2.5 किलोमीटर लंबा बाईपास बन रहा है। नवादा जिले के तुंगी मंझवे में 1.5 किलोमीटर का लंबा बाईपास बन रहा है। हिसुआ में 2 किलोमीटर लंबा बाईपास बन रहा है व नारदीगंज में भी 3 किलोमीटर लंबा बाईपास बन रहा है। साथ ही 6 बड़े पुल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गया के फल्गु नदी पर, पैमान नदी पर, नवादा के तुंगी नदी पर, तिलैया नदी पर, नारदीगंज के पंचाने नदी और नालंदा के कोसुक में पंचाने नदी पर पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों की संख्या में छोटे मोटे पुल पुलिया भी बन रहे हैं। इस फोर लेन रोड पर 4 आरओबी भी बन रहे हैं। पहला आरओबी गया जिले के मानपुर में बनाया जा रहा है। दूसरा आरओबी नवादा जिले के बैजनाथपुर में बनाया जा रहा है। तीसरा आरओबी हिसुआ में बनाया जा रहा है। चौथा आरओबी नालंदा जिले के राजगीर में बनाया जा रहा है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो।